आदाब नमस्कार आप सभी व्यूवर्स को। क्रिकेट में दर्पण के आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि कल से रिलेटेड जो क्रिकेट की बड़ी खबरें आई हैं, भारत और भारत के हाथ से विश्व T20 2021 की मेजबानी छीन ली गई है। मेजबानी भारत ही करेगा, लेकिन मेजबानी तो BCCI ही करेगा, लेकिन इसके जो मुकाबले हैं वो भारत में ना होकर अब कोरोना काल के कारण UAE में खेले जाएंगे। उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि ओमान क्रिकेट एसोसिएशन को भी एक स्टेडियम मिला। इससे हमें बात की खुशी हुई कि जो इस विश्व T20 2021 खेला जाएगा, जो 20 टीमों के साथ होना है, उसमें ओमान के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ओमान को भी जाएगा। बाकी जो हम UAE के क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जानते हैं, UAE में 3 क्रिकेट स्टेडियम है, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम और नंबर 1 जो वहाँ का सबसे बेहतरीन स्टेडियम जिसको हम लोग मानते हैं दुबई, 3 स्टेडियम भी हो गए, एक ओमान क्रिकेट बोर्ड और भारत। ये 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं इसके मुख्य मुकाबले। 14 नवंबर चाचा नेहरू के बर्थडे या फिर चिल्ड्रंस डे, ऐसा इंडियन हम लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, उस दिन इस विश्व T20 2021 का फाइनल खेला जाएगा। के अनुसार कौन कौन सी टीमें होंगी जो कि अच्छा पसंद करेंगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं काफ़ी इस चैनल को लेकर मेहनत कर रहा हूँ, जरूर मैं वीडियो रोज पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा उम्मीद रहता है, मेरा सोच है कि जल्द से जल्द आप सभी को क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट देते हुए चले। उधर भारत की जो टीम है श्रीलंका पहुंच चुकी है, कुछ खिलाड़ियों ने मैसेजेस बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत से वीडियो पोस्ट किए, बहुत से फोटोज़ पोस्ट किए, शिखर धवन नज़र आए उस फोटो में, हमको बतौर कप्तानी करते हुए दिखेंगे शिखर धवन, और उस टूर बहुत बेहतरीन रहेगा। भले ही वो टीम श्रीलंका से खेलेगी, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि वे बिल्कुल युवा टीम है, उसकी कमान हमने शिखर धवन को दी हुई है, उसके कप्तान भारत के पूर्व खिलाड़ी पूर्व कप्तान श्री राहुल द्रविड़ को दिया गया। राहुल द्रविड़ खुद एक बहुत ही सुलझे हुए टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं और साथ में उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की और साथ में बहुत अच्छे विकेट कीपर भी रहे हैं। तो भारत अब कि जो मुकाबले हैं वो 12 तारीख से सोनी के 10 नेटवर्क पे लाइव दिखाए जाएंगे, और जिनके पास फ्री डिश है उस मैच को DD नेशनल के लुक में भी उठा सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि IPL जो है अपने शेड्यूल के अनुसार बहुत जल्दी इंग्लैंड टूर के बाद सितंबर में, जो हमने बात की थी सितंबर का एक विंडो जो है वो खाली दिखता है, उसी पर हम IPL की उम्मीद कर सकते हैं। और हुआ भी वैसे ही, IPL 2021 जो है उसी समय के लिए सेटल किया गया है, और बाकी क्रिकेट जो है और सभी सभी की जगह में चल रहा है। उधर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले चल रहे हैं। उधर वेस्ट इंडीज श्रीलंका से खेल रहा है, और जहां बार भारत के खिलाड़ियों की जाए, भारत की जो मेन टीम के खिलाड़ी हैं इनकी रहानी रोहित शर्मा काफ़ी मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके इंस्टा पोस्ट पर हमने देखा कि वो काफ़ी मस्ती करते नज़र आ रहे हैं। और वैसे कि 2021 से 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फॉर्मेट है वो भी घोषित कर दिया गया है, उसके बारे में आपको मैं कुछ डिटेल देना चाहूँगा। जो भारत है यहाँ से इंग्लैंड में खेलेगी जो 5 टेस्ट, उसके बाद भारत टीम खेलने जाएगी, उसके बाद आ जाता है IPL, IPL के बाद आता है वर्ल्ड टी ट्वेंटी जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हमारे यहाँ न्यूजीलैंड आ रही है, इस बात को ना भूलें। न्यूजीलैंड ये भी हम लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड जब भारत में आएगी, भारत के पिचों में न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैच भी बचाना जो खेलना है उसको बहुत मुश्किल होगा। फिर आ जाएगा दिसंबर में भारतीय टीम चल जाएगी साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका दौरा है भारत का काफ़ी रोमांचक होगा। साउथ अफ्रीका दौरा के समाप्ति के बाद हम लोग उसके बाद IPL आ जाएगा हमेशा की तरह, इस बार एशिया कप पोस्टपोंडेड हो चुका है। उसके बाद एशिया कप के बाद भारत को बांग्लादेश भी जाना है, वहाँ भारत को 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद माइटी श्रीलंका से भी कुछ टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे।